ब्राह्मण जो है वह एक ही सूत्र जानता है जो हमारे देश का मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबकी हित की कामना करते हैं, सभी की सुखी की कामना करते हैं। हम किसी एक समाज एक वर्ग की नहीं बल्कि संपूर्ण धरातल के जितने भी जीव हैं उन सभी की कामना का परिचायक है और कामना की हमेशा कामना करते हैं कि सभी लोग सुखी और संपन्न रहे, यही ब्राह्मण कहलाता है। जी हमारे समझ से तो ये बहुत उचित मार्ग है कि सब किसी को लेके चलना, हर जाति संख्या को लेकर चलना, ये बहुत ही उचित मार्ग है। इसमें हर समूह के लोग जुड़ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये जाति के लिए केवल एक ही जाति के लिए है कि नहीं एक ही जाति इसमें जुड़े, हर वर्ग का आदमी जुड़ के परशुराम भगवान यही सब किसी को ज्ञान दिए है कि सब किसी को जोड़ के रखिए। बहुत ही परम सत्य है कि भगवान के द्वारा परशुराम के द्वारा अत्याचारियों का अंत किया गया था और किया जाना भी चाहिए, आज भी किया जाना चाहिए। जो अत्याचारी है उसका अत्याचार का अंत होना ही चाहिए और यही चीज तो भगवान परशुराम ने बताया है। अत्याचारी की, राक्षस की, दैत्यों की कोई जाति नहीं होती है। यहाँ दो ही धर्म है, एक अधर्म है और धर्म है। और हम लोग शस्त्र और शास्त्र में निपुण है और हम लोग ने ही पूरे ब्रह्मांड में राष्ट्र में जो धर्म का, जो पढ़ाई लिखाई का, जो शस्त्र का, जो ज्ञान प्रवाहित करने का काम किया और शस्त्र और शास्त्र से निपुण इस देश के, इस राष्ट्र के सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का भी ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना शस्त्र की ज्ञान की जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आज हर जगह परशुराम जयंती मनाया जा रहा है और भगवान नारायण का छठा अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। जो दृश्य मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि तमाम जिला के लोग यहां पर परशुराम जयंती में शामिल है और परशुराम जयंती यहां पर बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ पूरे जिले में मनाया जा रहा है। और यहां पर तमाम जिला के ब्राह्मण समाज के लोग यहां परशुराम जयंती में है। इन लोगों से बारी बारी मैं बात करूंगा कुछ परशुराम जयंती के बारे में। सबसे पहले विवेक जी हैं, ये पहले बताइए इसका उद्देश्य क्या है परशुराम जयंती? परशुराम जयंती का उद्देश्य यही है कि हम सभी भाई लोग, जो भी वर्ग के भाई लोग हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से अपना संबंध बरकरार रखें। और भगवान परशुराम जी हमेशा यह बताते हैं कि शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दोनों आदमी को, सब आदमी को रहना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ऊंच नीच भेदभाव जाति आप ही लोगों के द्वारा बनाया गया है, आप ही लोगों के द्वारा समाज में जहर घोला गया है। श्रीमान कहने के लिए कोई कह सकता है, लेकिन ब्राह्मण जो है वह एक ही सूत्र जानता है जो हमारे देश का मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबकी हित की कामना करते हैं, सभी की सुखी की कामना करते हैं। हम किसी एक समाज एक वर्ग की नहीं बल्कि संपूर्ण धरातल के जितने भी जीव हैं उन सभी की कामना का परिचायक है और कामना की हमेशा कामना करते हैं कि सभी लोग सुखी और संपन्न रहे, यही ब्राह्मण कहलाता है। जिस तरह से टारगेट किया जाता है आप लोगों को कि जहर घोलने का आरोप लगाया जाता है समाज में, आखिर क्यों लगाया जाता है? ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टारगेट क्यों किया जाता है? ये कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। आपने राजनीतिक सवाल पूछ लिया, मैं राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि जो अपने राजनीतिक लालसा, लाल राजनीतिक जो उनके अंदर जो भरी हुई है उसको स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह का लक्षण लगाते हैं। ब्राह्मण कतई किसी एक वर्ग का नहीं है, ब्राह्मण जो है सभी वर्गों का है और सभी वर्गों का ही चाहता है। यह राजनीति करने वाले हम सभी में विभेद और हम सभी पर दोषारोपण करते हैं, यह राजनीतिकों का दिन है, ब्राह्मण का दिन। कुछ लोगों का कहना है जो आप लोगों को मानते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण है तो सनातन है, ऐसी नहीं है। सनातन का मतलब ही है कि सर्वे और सर्व में सभी लोग आ जाते हैं। जो सत्य है, आप देखे होंगे कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, सनातन का कोई संस्थापक नहीं है, ईसाई के संस्थापक हैं ईसा मसीह हैं और सिख के संस्थापक जो है आपको गुरु नानक जी हैं और इसके बाद मोहम्मद सावन मुस्लिम धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन सनातन शुरू से था और रहेगा, आज भी है, यह हमेशा है और जब तक यह धरातल रहेगी इसका नाश और इसका उदय करना यही सनातन का काम है। और सभी तरह से जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है तो सनातन के रूप में भगवान अवतरित होते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं और पुनः इस धरती पर एक नए जन्म का उदय होता है। धर्म और शास्त्र कहा जाता है कि आप लोगों के द्वारा, आप लोग कहते हैं फेसबुक पर भी बहुत सारे कॉमेंट हम पढ़ते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों में आप लोग निपुण हैं।
एकदम। और हम लोग शस्त्र और शास्त्र में निपुण है और हम लोग ने ही पूरे ब्रह्मांड में राष्ट्र में जो धर्म का जो पढ़ाई लिखाई का जो शस्त्र का जो ज्ञान प्रवाहित करने का काम किया और शस्त्र और शास्त्र से निपुण इस देश के इस राष्ट्र के सभी लोगों को होना चाहिए क्योंकि शास्त्र का भी ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना शस्त्र की ज्ञान की जरूरी है। कभी भी जीवन में आपको शास्त्र की भी जरूरत पड़ सकती है और शस्त्र की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि भिक्षा देना और भिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो हम लोग शिक्षा के रूप में शास्त्र का ज्ञान शस्त्र का ज्ञान हर रूप में हम लोग ने ज्ञान देने का काम किया है। यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है आप लोगों के द्वारा और बड़े ही भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया है। भगवान परशुराम के बारे में जिस तरह से भगवान परशुराम ने दुराचारियों के खिलाफ लड़ा, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। और मेरा नाम अभिनव नीरज हुआ है और सभी के सहयोग से यह परशुराम जी का जयंती मनाया गया है जो हमारे पूर्वज ये करते आ रहे हैं और हमारे नौ युवक जो इस संस्कार को भूलते आ रहा और इसी समूह को हम लोग एक साथ इकट्ठा करने के लिए परंपरा जारी रखने के लिए शिक्षा और संस्कार दोनों को समवित करके इस परशुराम जयंती के अवसर पर इन लोगों को हम लोग देना चाहते हैं और मनाने के शुभ अवसर का काम किया है। आप लोगों के द्वारा भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने के लिए क्या उचित मार्ग ये है? जी, हमारे समझ से तो ये बहुत उचित मार्ग है कि सब किसी को लेके चलना, हर जाति संख्या को लेकर चलना, ये बहुत ही उचित मार्ग है। इसमें हर समूह के लोग जुड़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जाति के लिए केवल एक ही जाति के लिए है कि नहीं, एक ही जाति इसमें जुड़े, हर वर्ग का आदमी जुड़ के परशुराम भगवान यही सब किसी को ज्ञान दिए है कि सब किसी को जोड़ के रखिए। भगवान परशुराम के द्वारा जिस तरह से दुराचारियों का अंत किया गया था और भगवान परशुराम भगवान नारायण का अवतार छठा अवतार भी माने जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही परम सत्य है कि भगवान के द्वारा परशुराम के द्वारा अत्याचारियों का अंत किया गया था और किया जाना भी चाहिए, आज भी किया जाना चाहिए। जो अत्याचारी है उसका अत्याचार का तो अंत होना ही चाहिए और यही चीज तो भगवान परशुराम ने बताया है। अत्याचारी की, राक्षस की, दैत्यों की कोई जाति नहीं होती है। यहाँ दो ही धर्म है, एक अधर्म है और धर्म है। तो जो धर्म के साथ है वो धर्म जो परशुराम को मानते हैं, जो सत्य के साथ है परशुराम को मानते हैं। परशुराम तो एक भगवान है, एक विचारधारा भी आप मान लीजिए। और जो अधर्म है, जो नात्याचारी है, उसका अंत तो होना ही चाहिए। तो उसका अंत के लिए प्रणाली जो पहले की पद्धति थी वो तो हमारे हिसाब से उन्होंने जो है सर्वेश्वर है तो कर दिए। आज जो है आज भी अत्याचारी है, उसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो शास्त्र की भी ज्ञान देते हैं और शस्त्र की ज्ञान देते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता है। और निश्चित रूप से समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। भगवान परशुराम सबके चाहने वाले हैं, सबका कल्याण किए हैं। जो अधर्मी है, विधर्मी है, उस सबका संहार करके एक अच्छे शासन का व्यवस्था का स्थापन। जैसे कि अभी आपने तमाम लोगों से सुना, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान जरूरी है, जो भगवान परशुराम किया करते थे, दुराचारियों को जिस तरह से अंत करते थे भगवान परशुराम। आज उन्हीं का जयंती है और बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर इनका जयंती मनाया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।